हाँ जी, शुरू करते हैं नेक्स्ट हमारी सीरीज। तो हम लोग ना डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल के ऊपर कर रहे थे, है ना। तो इसके आपने फॉर्मूले अच्छे से कर लिए होंगे। कोई भी डाउट होता है देन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज का जो क्वेश्चन है वो भी हमारा एक्सपोनेंशियल के ऊपर है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे यू बाई वी की फॉर्म बन रही है, ठीक है। यू बाई वी की फॉर्म बन रही है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो आप क्या करोगे, वी का स्क्वायर करना है, फिर वापिस वी आएगा यहाँ पे, और डी अपॉन डी एक्स आपने करना है ई की पावर एक्स का। और आपने क्या करना है, मेरी बात सुनो, आप है ना वीडियो पॉज करके अपना आंसर खुद दोगे, राइट। आप अपना आंसर जो है खुद दोगे, देन उसके बाद मेरा आंसर देखोगे। और जो भी चैनल पे न्यू स्टूडेंट है वो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी लाइव लेक्चर होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि किस टाइम पे मैं लाइव लेक्चर लेती हूँ, राइट। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप लाइव में पूछ सकते हो, आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी, ओके। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास इस तरह से। इसके बाद जब आप इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स, और यहाँ पे ई की पावर एक्स आएगा। और नीचे क्या है हमारे पास, 1 प्लस एक्स की स्क्वेयर। तो ये प्लस में है माइनस में है कट हो जाएगा, और एक्स ई की पावर एक्स और डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स की स्क्वेयर, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। देन हमारे पास है सेकेंड क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। तो सेकेंड का जब सोल्यूशन करते हैं तो हमारे पास है y इज इक्वल टू 3/4 + 6 e की पावर 2x। तो यहाँ पे भी u डिवाइड बाई v वाली फॉर्म बन रही है। तो आप क्या करोगे, dy अपॉन dx आपको किसका करना पड़ेगा, सेम आप वही प्रोसेस v का स्क्वेयर करोगे। तो v का स्क्वेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 प्लस, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे क्या करोगे, 4 + 6 e की पावर 2x होल स्क्वेयर, और यहाँ पे 4 + 6 e की पावर 2x का, और d अपॉन dx आपने 3 का करना है, -3 सेम आएगा, और d अपॉन dx आपने v का करना है, 4 + 6 e की पावर 2x, ओके। देन इसके बाद क्या करोगे, 4 + 6 e की पावर 2x, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि 3 जो है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो -3, और यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा, 4 0 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, 6 e की पावर 2x सेम आएगा, और फिर पावर का करेंगे तो 2 आएगा यहाँ पे, राइट। तो पावर का आपने फिर से डेरिवेटिव करना ही करना है। सिंपल x होता तो वो 1 बन जाता, ठीक है, 2x है तो x का 1 बन गया, सिर्फ 2 आएगा यहाँ पे, राइट, है ना। 6 e की पावर 2x की स्क्वेयर, इसके बाद क्या बनेगा, ये तो पूरा 0 बन गया क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप इस 3 को जो है अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कितना बन जाएगा आपके पास, 18 बन जाएगा, ठीक है। और 18 को दोबारा फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा, 18 को 2 से करेंगे तो 36, तो -36 e की पावर 2x, और कितना आएगा, 4 + 6 e की पावर 2x की होल स्क्वेयर। तो यहाँ पे अगर कोई भी कॉमन अगर यहाँ से निकल रहा होता या फिर ऊपर स्क्वेयर है तो आप फॉर्मूला ओपन करोगे, इतना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर जो है हमारे पास -3/36 e की पावर 2x डिवाइड बाय 4 + 6 e की पावर 2x होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे सामने आंसर आ गया। कोई भी कंप्लीट अगर आपने कोई भी किसी भी एग्जाम की अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कंप्लीट क्लासेस आपने अगर ज्वाइन करनी हो तो, और इकोनॉमिक्स हब जो ग्रुप है ना वो आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम के ऊपर। तो डाउट होता है तो वहां पे आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो भी एक्सपोनेंशियल का है, y इज इक्वल टू e की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, log 4x, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, देखो ये बन गया हमारे पास मल्टीप्लाई में, तो आप u बना लीजिए और v बना लीजिए। तो अगर हम dy अपॉन dx करें तो मैंने u इंटू v का फॉर्मूला क्या बताया था, अगर d अपॉन dx आपने u इंटू वी का करना है तो आप क्या करोगे, u को सेम रखोगे, d अपॉन dx v का करना होगा, प्लस आएगा फिर v आएगा, d अपॉन dx आपने u का करना है। तो अब अगर करोगे तो u सेम रखा, e की पावर x की स्क्वेयर, और d अपॉन dx किसका करना है, log 4x करना है, माइनस क्या करोगे, log 4x और d अपॉन dx e की पावर x की स्क्वेयर। उसके बाद क्या करोगे, e की पावर x स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या बनेगा, 1/4x बनेगा, और 4x का दोबारा करेंगे तो 4 आएगा, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले तो 1/x की फॉर्म में जाएगा, और फिर जो x होता है ना
उसको दोबारा डेरिवेटिव होता है, तो 1/4x हुआ, और 4x का दोबारा करेंगे तो x का 1 बन जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा, फिर माइनस log 4x, और यहाँ पे क्या बनेगा, एक बार तो सेम आएगा e की पावर x की पावर 2, फिर इस पावर का करेंगे मतलब x की पावर 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, 2x बनेगा, 2x की पावर 1 बनेगा, राइट। अब यहाँ पे कुछ भी कट हो रहा होता है तो कट देते हैं, तो 4 से 4 जा रहा है सिर्फ, तो क्या बचेगा e की पावर x की स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाय x है यहाँ पे माइनस लॉग 4x e की पावर x की स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा 2x, तो यहाँ पे लगा दीजिए 2x, ओके। तो ये आपके सामने आंसर आ गया। अगर आपने यहाँ से e की पावर 2x कॉमन निकालना है तो निकाल लीजिए, अगर यहाँ पे आपने आंसर छोड़ना है तो कोई इशू नहीं है, अगर आपने फिर भी एक स्टेप और करना है तो e की पावर x की स्क्वायर आप कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा 1/x बचेगा। और एक गलती हमने कर दी, देखो फॉर्मूले में प्लस है तो आप प्लस लगाओगे, है ना, प्लस लगाओगे, तो यहाँ पे प्लस आना था, सॉरी प्लस आएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा 2x log 4x और e x की पावर 2 तो कॉमन आ गया, ये आपके पास फाइनली आंसर बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास, जो नेक्स्ट है वो है y इज इक्वल टू e की पावर x, x की पावर 2 प्लस e की पावर 2x, और आपने फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो dy अपॉन dx जब हम निकालेंगे तो e की पावर x तो कॉमन, मतलब u तो आ गया यहाँ पे, और d अपॉन dx v का करना है, फिर प्लस आएगा, v सेम आएगा, और d अपॉन dx आपने e की पावर x का करना है, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला प्लस आएगा, फिर आपने इसका डेरिवेटिव एक बार लिख के छोड़ देना, ठीक है, एक साथ करेंगे फिर, ओके। देन यहाँ पे क्या बनेगा, e की पावर सेम आ गया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा, प्लस x की स्क्वायर आ गया, और e की पावर x का तो सेम ही होगा ना, e की पावर x लोग e लगाओगे तो लोग e 1 बन जाएगा, प्लस इसका करेंगे e की पावर 2x तो सेम आएगा, और 2x का करेंगे तो 2 आएगा, राइट। अब आप क्या करोगे, अब आपने करना है यहाँ पे e की पावर x आप कॉमन निकाल सकते हो, अगर जरूरत है तो निकाल दीजिए, वरना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। 2x e की पावर x प्लस यहाँ क्या बनेगा, x की स्क्वायर e की पावर x प्लस 2 e की पावर 2x, तो ये आपके सामने फाइनली आंसर आ गया, ओके। इतना टफ कुछ भी नहीं है, देन फिर भी अगर प्रॉब्लम रहती है देन आप मेरे से पूछ सकते हो, समझ रहे हो ना, अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, इसमें आपने प्रूव करना है। देखिए वाई इज इक्वल टू आपके सामने है ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एम एक्स, ठीक है, तो आपने क्या प्रूव करना है, आपने प्रूव करना है फाइनली डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर माइनस एम स्केयर वाई इज इक्वल टू जीरो, ओके। तो आपने क्या करना है, इसको प्रूव करना है, आपने इज इक्वल टू जीरो ये आपने प्रूव करना है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये वाला कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है।